हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओनली वन रबर बैंड की मदद से ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। और इसमें आपको कोई भी हेयर स्टाइल की पिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से बनाने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाली काफी ज्यादा हेल्पफुल एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की इजी हेल्पफुल मेकअप ट्यूटोरियल, हेयर स्टाइल रिलेटेड वीडियो, ब्यूटी टिप्स रिलेटेड वीडियो आपको डे बाय डे अपडेट मिलते रहे। तो बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेकंड चैनल पर जाने के लिए प्रीति वाई टू सेकंड चैनल का नाम है, सर्च करने से आ जाएगा। बट अगर आपको सर्च नहीं करना, ज्यादा मेहनत नहीं करना, तो इजिली डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, लिंक है वहां पे क्लिक करके इजिली आप मेरे सेकंड चैनल पर पहुंच सकते हो। इंस्टा आईडी प्रीति वाई टू है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। मेरी वेबसाइट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, और मेरी लेटेस्ट वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े और इजीली आप मुझे सपोर्ट कर पाओ। तो चलिए बहुत हो गई बातें एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम लोग सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से कितना खूबसूरत सा पोनीटेल हेयर स्टाइल। सबसे पहले आपको पोनीटेल हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको बालों को ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है। ओके, इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेंगे। फ्रंट के हेयर को सिर्फ मैं कवर करने के लिए पिन का यूज कर रही हूँ, बाद में ये पिन रिमूव हो जाएगा। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि पिन इतनी सारी यूज की है, बोल रही है कि सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। ओके, तो इस तरीके से दोनों साइड से ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लिया है एंड पिन की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे ताकि हमको पोनी बनाने में डिस्टर्ब ना करे, बस इसके लिए मैंने पिन लगाया। एंड बैक साइड से एक हाई पोनीटेल बना लेंगे। ओके, अच्छे से कॉम कर लेना है एंड पोनीटेल बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, कैसे बनाएंगे कि हमारा ट्विस्टिंग भी हो जाए, स्टाइलिश यूनिक सा हेयर स्टाइल सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से बनेगा। तो आपको इस तरीके से बालों को पार्ट करना है एंड इस तरीके से आगे की तरफ ले जाएंगे। ट्विस्टिंग करने का परफेक्ट तरीका यही है, हम लोग सिंपली ऐसे बैक से ट्विस्टिंग करते हैं जो कि फ्लैट लुक देता है। तो आपको ट्विस्टिंग करने के लिए सिंपली आगे की तरफ इस तरीके से लेके आना है, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे एंड बैक में लेके जाओगे। अब देखिए, जैसे हम लोग मशीन से रोल करते हैं वैसा ये बन गया है। अब इसको बैक में ट्विस्ट कर देंगे अच्छे से, जहां तक आपका रबर बैंड है वहां तक ट्विस्ट करना है। फ्रंट में जो फ्लैट है इसको इस तरीके से थोड़ा खींच लेंगे जिससे कि फ्रंट में हमारा फ्लैट लुक ना आए, और पूरी तरीके रबर बैंड को इस तरीके से फैलाएंगे और जो हमारा ट्विस्टिंग का हेयर है उसको इसके अंदर से इस तरीके से बस खींच लेंगे। तो देखा, कोई पिन वगैरह यूज नहीं हुआ है और हमारी ट्विस्टिंग इजीली बन गई है। सेम इसी तरीके से सेकंड लेयर लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बैक साइड में लेके जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। फ्रंट से जो फ्लैट हुआ है इसको खींच लेंगे और काफी इजी तरीके से काफी प्यारा सा ट्विस्टिंग हमारा बनके रेडी हो गया। और ट्विस्टिंग करने का परफेक्ट तरीका यही है। थर्ड लेयर लेंगे, फ्रंट की तरफ लेके आएंगे, ट्विस्ट करेंगे एंड पोनीटेल के हेयर तक लेके जाएंगे। जो फ्रंट में फ्लैट हुआ है इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, रबर बैंड को उठाएंगे एंड हेयर को इसके अंदर से इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से टाइट रखेंगे। फोर्थ लेयर लेंगे, ट्विस्ट करके बैक साइड में लेके जाएंगे
धोनी के रबर बैंड को उठाएंगे एंड खींच लेंगे, तो टाइट कर देंगे पूरा अच्छे से। एक साइड का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, सेकेंड साइड भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ से इस तरीके से लेंगे हेयर को, ट्विस्ट करेंगे, बैक साइड में ले जाएंगे, एक बार और कर लेते हैं। ओके, फ्लैट जो हुआ उसको खींच लेंगे, इसको खींचना मत भूलिएगा ना, ट्विस्टिंग जैसे प्रॉपर नहीं लगेगी, अच्छी भी लगेगी। इस तरीके से खींचेंगे, फिर यहाँ पे आप रबर बैंड को उठाएंगे और पोनीटेल के हेयर को इजीली इसके अंदर से खींच लेंगे। ओके, सेकेंड लेयर लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बैक साइड में लेते जाएंगे एंड ट्विस्ट करते जाएंगे, फ्रंट से खींच लेंगे और इसको भी पोनीटेल के रबर बैंड को इस तरीके से उठाएंगे और ट्विस्टिंग के हेयर को खींच लेंगे। ओके, थर्ड लेयर लेंगे, इक्वल में ले लेना है, ज्यादा पतला चौड़ा नहीं होना चाहिए, बैक साइड में लेके जाएंगे, ट्विस्टिंग करते जाएंगे। सॉरी कॉल आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो कट गई बीच में। फिर से ट्विस्टिंग के हेयर को इस तरीके से खींच लेंगे, सॉरी गाइज कॉल आ गई थी, तो इसी तरीके से ट्विस्टिंग को कंप्लीट करेंगे। देन लास्ट जो हमारा ट्विस्टिंग बचा है इसको भी इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, घुमा के बैक साइड में लेके जाएंगे एंड पोनीटेल के हेयर के साथ, पोनीटेल के रबर बैंड में इस ट्विस्टिंग को भी खींच लेंगे। तो आपने देखा इसमें मैंने कोई पिन वगैरह यूज नहीं किया और काफ़ी प्यारा सा हमारा यहाँ पे लुक भी रेडी हो गया है। वाओ, मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? और बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप बना लोगे, और वो भी सबसे, कुछ भी इसमें यूज नहीं किया है मैंने, कोई रबर बैंड यूज़ नहीं किया और काफ़ी स्टाइलिश सा लुक आ रहा है। अब इसको ऐसे आपको हेयर पोनी के हेयर को थोड़ा सा इस तरीके से लेना है और रबर बैंड के चारों तरफ इस तरीके से लपेट देंगे, जिससे कि हमारा रबर बैंड जो है वो हाइड हो जाए अच्छे से। रबर बैंड हाइड हो जाए उसके बाद आपको बॉबी क्लिप या डिक्टर क्लिप की मदद से नीचे की तरफ इस तरीके से क्लिप को लगा देना है और ये हमारा फाइनल लुक है पोनीटेल का सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से इतना खूबसूरत सा आप हेयर स्टाइल बना के रेडी कर सकते हो। कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप कि पसंद आया हो और अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे भर भर के प्यार दीजिए ताकि मेरा जल्दी से जल्दी 1,00,000 यूट्यूब फैमिली बन जाए। जो हमारी 80,000 की फैमिली है वो 1,00,000 की बन जाए और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ वो टाइम स्पेंड करूंगी, जो भी फीलिंग होगी मेरी सब कुछ। तो आप लोग के सपोर्ट के बिना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मेरी रील्स वीडियो देखने के लिए इंस्टा आईडी पर जरूर जाइएगा, प्रीत तिवारी 24 मेरी इंस्टा आईडी है। और जो भी प्रोडक्ट वगैरह मैं यूज करती हूँ उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, तो आप इजीली वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।